गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच जंग को 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक इजरायल को हमास को खत्म करने के उसके मकसद में कामयाबी नहीं मिली है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमास की वो तैयारी और उसकी मिलिट्री क्षमता, जिसकी वजह से हमास के लड़ाके IDF को कभी घात लगाकर तो कभी उसके टैंकों को उड़ाकर बार बार दहला रहे हैं। और इसी क्रम में हमास की अल कासिम ब्रिगेड ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने उत्तरी गाजा के पूर्वी जबालिया में स्थित अल जबरी साइट की तरफ जाते हुए IDF के वाहनों को निशाना बनाया। वीडियो के शुरू में दो लड़ाके रॉकेट लॉन्चर्स को अपने कंधों पर उठाए झाड़ियों से बाहर निकलते हैं और सामने जैसे ही इजरायली सेना की एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है तो उनमें से एक लड़ाका उस गाड़ी पर फायर कर उसे उड़ा देता है। इसी वीडियो में आगे दूसरा लड़ाका एक दूसरी गाड़ी को टारगेट कर उसे रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देता है। वहीं हमास की सैन्य शाखा अलकुद्स के लड़ाकों ने भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक बिल्डिंग के पास एक इजरायली सैनिक खड़ा दिखाई देता है और दूर कहीं अलकुद्स का एक लड़ाका एक दीवार में एक छेद बनाता है, जिसमें से वो स्नाइपर की मदद से उस टारगेट को लॉक करता है, जिसके बाद गन फायर होती है और टारगेट ढेर हो जाता है।